गौर से देखिए इस आदमी को, एता कानपुर का मशहूर जॉनी जोकर। हाँ। इसने लगभग 40 साल लोगों को हंसाया, लेकिन बाद में जुए और शराब की ऐसी लत लगी कि ये बर्बाद हो गया, लाखों के कर्जे में डूब गया और आखिर में जॉनी जोकर टैं बोल गया। अफसोस की बात तो यह है कि जॉनी जोकर के अंतिम संस्कार में कोई भी नहीं आया, सब सुनसान था, केवल एक दो लोग थे जो बूढ़े थे। इतना बड़ा कलाकार ऐसे ही टैं बोल के, काश हमको पता होता कि उसका हालत इतना खराब है, हम जाकर कछु मदद कर देते उसका। जॉनी जोकर का हुआ पगली, काय रो रही हो? टैं बोल गए। कौन टैं बोल गए? जॉनी जोकर। तुम्हारा फूफा लगता था क्या? नहीं। तो फिर काय रो रही हो? आपको ना ही पता है, हम जॉनी जोकर के बहुत बड़े फैनेटिक थे। यार फैनेटिक नहीं, फैन होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है वो हमारे गांव में ना अपना खेला लेकर आता था। हाँ तो ठीक है, आता होगा ना खेला लेके, लेकिन तुम इतने टसुए काय बा रही हो? काय ना ही बाएंगे, हमको जोकर लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत सच्चे कलाकार होते हैं। आपको पता है उनके दिल में कितना भी दर्द हो, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होता है। अरे तो ठीक है ना, तुम इतना मातम काय मना रही हो? आप ना कलाकार का फूलिंग समझ ही ना ही सकते हैं। फूलिंग नहीं, फीलिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। फूल तो तुम हो। क्या बोले? मतलब समझ गई? फूल, फ्लावर। हाँ ठीक बा, लेकिन अब जानी जोकर हमको छोड़ के चला गया। अरे उसको जाने दो, उसको सुबह देखेंगे हम। बोलता नहीं, करीब तो आओ। या हमको रोना आ रहा है, आपको रोमांच सूझ रहा है? रोमांच नहीं सूझेगा तो का सूझेगा? तनिक हमारी, अरे सो जाइए, हमने जानी जोकर। भैया देखो, रो ना यार, तुम्हारी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। अब देखो, एक ना एक दिन तो सभाई को जाना है ना, आवाज इनकी बारी थी, कल तुम्हारी बारी होगी। अब परसों हम निपट सकते हैं यार। अच्छा ये बताओ, ये जो भाई साहब खर्चा हुए हैं, इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता था? किससे बे? अरे वही जो मर गया है बे। कौन मर गया बे? अरे जिसकी कब्र पे सर रख के रो रहे हो बे। और किसकी कब्र है बे? जॉनी जोकर की बे। जॉनी जोकर कौन है बे? तुम्हारा रिश्तेदार। हमारा कोई रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं है जॉनी जोकर। अरे तो काहे इतनी देर से इसकी कब्र पे सर रख के टेसुए बाहर हो बे? बहुत लंबी कहानी, इस सारी दुनिया ने मुझे जोकर बना कर रख दिया, मुझे इतना जलील किया, इतना बेइज्जत किया कि अरे अरे भैया देखो, ऐसा है, इस जलालत के सफर में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम ससुरे बेरोजगार थे। अच्छा तो तुम्हारे सीने में भी बेरोजगारी का जख्म हो रखा बे, है? हाँ बे, उसी जख्म को चौकीदारी के मरहम से भरने की कोशिश कर रहे हैं बे। हमारे और तुम्हारे बेरोजगारी के जख्म में इतना फर्क है कि जो हमारा बेरोजगारी का जख्म है वो नासूर बन चुका है। दुनिया का कोई भी मरहम उसको भर नहीं सकता। अरे अरे भैया, ऐसा क्या हो गया यार, पूरा कांड बताओ ना खुल के। बताता हूँ, ये बात आज सुबह की। अरे भैया,
अबे आगे क्या हुआ आगे बताओ भैया। हम तीनों के जो कपड़े थे ना वो बंदर ने उठा के ले गए, हम तीनों पानी के अंदर ही रह गए, बदन पे एक भी कपड़ा नहीं तो हमारे एक भी कपड़ा। अबे कपड़े कैसे मिले भैया, मलखान है ना पानी के बाहर आओ यूं दोनों तरफ जू 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 हाथ लगा के आओ अपनी इज्जत बचाते हुए फिर सेठ जी मलखान का रंग और फिगर देख के सांड इसके पीछे पड़ गया। अबे सांडो, सांड से हमें भी एक किस्सा याद आया। हम और भभूति जी जो है वो प्रेम के घर से बर्थडे पार्टी मना के लौट रहे थे। तेरी आइटम का बर्थडे था ना बे? अबे मेरी बीबी का बर्थडे था। सॉरी यार, इसकी बीबी का बर्थडे था तो झकरकटी की जाड़ियों से हम निकल रहे थे मैं और भभूति जी, तभी सामने सांड आ गया और भभूति जी ने पहन रखी थी लाल कमीज। हुआ क्या कि सांड जो भभूति जी के पीछे पड़ गया, अब रास्ता नजर नहीं आ रहा, कभी कहीं कभी रोड पे कभी तभी क्या अफीम कोटी के पीछे जो खंडर है ना उसमें भभूति जी घुस ली और पीछे सांड भी घुस लिया। इस विभूतिया के ना एक से बढ़कर एक किस्से, और ये विभूतिया इस मोहल्ले का एक नंबर का जोकर है, जोकर। वाकई प्रेम बहुत सही कहा यार, ये भभूति जी जो है ना ये बहुत बड़े जोकर बे। जब ये पैदा भाई होंगे ना तो हेलन आंटी ने डॉक्टर से पूछा होगा कि का भाव, तो डॉक्टर बोलो होगो जोकर भाव है। जोकर आप लोगों की नजर में मैं जोकर हूं? लो जोकर का नाम लिया, जोकर हाजिर। आप लोग कुछ पे हंस रहे हैं? अरे सेठ जी, जोकरों पे नहीं हंसेंगे तो फिर क्या जोकरों पे रोंगे हम? मैं किस एंगल से आपको जोकर दिखता हूँ? किस एंगल से बताइए मुझे, किस एंगल से मैं आपको जोकर दिखता हूँ बताइए? अबे विभूति, तू किस एंगल से जोकर नहीं दिखता है ये बता। आपके स्टाइल में कहें तो अजी हुजूर, आप तो सराफा जोकर ही जोकर है। जोकर 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 जोकर। ना जाओ यार, तुम तो यार मतलब नाक कटवा दियो, मतलब इतने कमजोर दिल के आदमी हो, इतनी सी बात पे तुम कब्रिस्तान चले आए मातम मनाने? अबे इतनी सी बात नहीं है बे, इतनी सी बात नहीं है, इससे बहुत बड़ी बात है जो तीन बार के हमारे जिगर के आर पार हो गई है। अबे तो क्या बात है बे? तो सुनो बे। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? और देखिए भभूति जी, अभी आप जाइए, हमको किसी से बात नहीं करना है, हम बहुत सेट हैं। भाभी जी अगर आप सेट होती ना तो क्या बात थी। आप क्या बोले? अगर भाभी जी आप सेट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, अभी जाइए। भाभी जी क्या बात है, एक्चुअली मैं बहुत दुखी हूँ आज, I'm really sad today. ना यार, आपसे ज्यादा दुखी हूँ मैं। भाभी जी आप दुखी हैं? पता ही ना क्यों दुखी है। I want to know. वो जो है ना वो कौन? वो डर बोल के लड्डू के भैया। अरे दिया वो नहीं, अजानी जोकर डर बोल के। ओ तो मतलब आप जोकर के मरने पे इतना शोक मना रही, इतना अफसोस कर रही भाभी जी? वो कौन है, ऐसे वैसे नहीं है, वो हमरे बहुत ही फेवराइट है। अभी जो फेवरेट होता है ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है वो जब हमरे गांव आते थे अपना खेला लेकर, तो हम अपना बस्ता वस्ता पढ़ाई सब छोड़कर उनका खेला देखते थे, बहुत हंसते थे, हमको बहुत मजा आता था। उठे बोल। चल विभूति, यहाँ तो तेरी जगह किसी जोकर ने ले ली है, भाभी जी के दिलो दिमाग पे जोकर ही छाया हुआ है। अब विभूति जी। यस भाभी जी। रुकिए ना। रुक गया भाभी जी, बोलिए ना। हम कुछ बोले आपको प्लीज। हम जब भी आपको देखते हैं ना तो आपका दिल धड़कता है। दिल कहता है मोहब्बत कर ले, मोहब्बत कर ले, मोहब्बत कर ले। क्या बोले? मैंने कहा आप जब मुझे देखते हैं भाभी जी कैसे महसूस करती हैं? व्हाट यू फील, आपको क्या लगता है? टेल मी, आज दिल खोल के बोल दीजिए। जस्ट वेल सफर। जब भी आपको देखते हैं ना तो हमारा हंसी छूट जाता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत हंसी आता है,
हमको ना जानी जोकर का याद आता है आपको देख जानी जोकर हमें देख के भाभी जी की हंसी छूट जाती मजाक बन कर रहे क्या तू ऐसी जिंदगी तुझे देख के तो मेरी हंसी भी छूट जाती है तेरे अब्बा को बोल तेरी माँ को देख के हंसेगा दिखता भी नहीं मरता भी नहीं भाभी जी भी नहीं चलता हूँ फिर क्या हुआ बे फिर वही हुआ जो होना था इस दुनिया के बीच में हंसी का पात्र बन के रह गया लोग मुझ पे हंसते थे लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरी माँ मुझे हंसी का पात्र नहीं समझती इस सोच को लेके इस विचार को लेके मैं घर पहुंचा क्या कर रहा तू ये अपना इतना बड़ा और मेरे में चार बूंदे टपका रहा है बना ठीक से यार मैं देख रहा हूँ सुन हेलन तू आजकल बहुत बड़ी पियक्कड़ हो रही है तेरी सोबत का असर है वरना पहले एक पैग पीती थी और अब चार चार टिका जाती हूँ फिर भी कुछ नहीं होता तू ना शराब को शरबत की तरह पीती है मैं देख रहा हूँ अरे शराब थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए पता है मजा लेते हुए पीना चाहिए तू ना आजकल बिल्कुल मजा नहीं रह रही है अरे छोड़ ना मुझे कौन सा शराबी बनना है वैसे इस खानदान में क्या कमी है शराबियों की वैसे आउती भाई साहब ने सबको पीना सिखा दिया तेरे आउती भाई साहब ने अपनी सोबत में मेरे खचेड़ू को भी बिगाड़ के रख दिया अरे खचेड़ू बचपन से बिगड़ा हुआ था नहीं डेविड बचपन से नहीं बिगड़ा हुआ था अच्छा खासा होशियार होनार बच्चा था पर वो आहुति ने ना अपनी सोबत में उसे कामचोर बनाकर रख दिया एक बार बताऊं तुझे जो बात मैंने तुझे आज तक नहीं बताई पांचवी में था ये खचेड़ू बाथरूम में पीता हुआ पकड़ा गया और तूने कुछ नहीं कहा अरे अय्याश हो गया देख अब कितना बड़ा अय्याश है क्या करें कभी कभी मन करता है कहीं घूमने जाएं अभी परसों ही ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी कि क्यों ना ताजमहल देखने जाऊं पर इस निकम्मी औलाद को छोड़कर जाऊं कहां अरे वही तो मेरा हाल है तुझे पता है लंदन में जब मेरी बीवी मेरे पिछवाड़े पर लात मार के मुझे बाहर निकाल देती है ना तब भी मैं यही सोचता हूँ कि कहां जाऊं कैसे होगा साहब ले दे के ये खचेड़ू ही मेरा एक अकेला इकलौता भतीजा है आता तो यही है ना तू भी तो नहीं बुलाती है मजाक करने का मूड नहीं हो रहा मेरा लेकिन मैं सीरियस हूँ चुप हो जा भगवान ऐसी निकम्मी औलाद किसी को ना दे ओके रिलैक्स अब तुम कहाँ इतना रो रहे हो बे फ्लैशबैक हमारा हमें रोना चाहिए तुम रो रहे हो अबे क्योंकि हमारे साथ भी बहुत कांड हुआ है यार ये दुनिया हमको बहुत गरियाई से यार बहुत जलील करी से दुत्कारी से हमको इसीलिए हम इस कब्रिस्तान में आके बस गए अबे यहाँ आए तो जिंदा आका है यार मुर्दा होके आते तो बात अलग थी ताकि हम इस मनहूस दुनिया से बदला ले सके मुर्दों के बीच में रह के दुनिया से बदला लोगे हाँ अरे नहीं बे हम क्या करते हैं रोज रात को भूतों से आवाहन करते हैं अबे भूत मैं कहाँ हो बे आओ हमारे जिस्म में घुस जाओ ताकि हम उसकी मदद से अपनी जलालत का बदला ले सके इस मनहूस दुनिया से तेरा तो पता नहीं बे लेकिन तेरे इस आइडिया से मुझे एक आइडिया आया इस कमबख्त दुनिया से अब बदला लेने का जानी जानी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा बस एक ठो बार हमरा कहा मान ले हमें तो आपका दिल चाहिए हाय दिया अब भरभूति जी का हाल बना के रखे हैं बहुत ही बेहाल हाल है आपका भाभी जी मैं ना कहता था कि आपके दिल के गोशे में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है जिससे इस बात का एहसास है कि मैं बेहाल हूँ या हाल में हूँ
एहसास वहसास का बात ना आए हैं, आपका हालत देख के तो बच्चा भी बता सकता है। सब ठीक बा? बस भाभी जी, जलालत की सूखी और कड़क रोटियां चबा चबा के गुजारा कर रहे हैं। तो जलालत की रोटी पर थोड़ा बदतमीजी का अचार और कमीनेपन का सलाद भी काट कर डाल लीजिएगा, थोड़ा स्वादिष्ट लगेगा। उड़ा लीजिए तिवारी जी, उड़ा लीजिए मेरा मजाक। और आप लोगों ने कल भी मेरा मजाक उड़ाने में, मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गलती आप लोगों की नहीं है तिवारी जी, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है। आपका वक्त अच्छा चल कब रहा था जनाब? आप तो बर्बाद थे, बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे। हाँ तिवारी जी, मैं बर्बाद हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। हमरा कहना मानिए भरभूति जी, आप कोनो ओझा तांत्रिक के पास जाइए। हाँ जरूर, हमको तो ना कोनो भूत प्रेत का चक्कर लगता है। तुम ना ये बौड़म पने की बातें बंद करो, समझी? ये तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा भूत है। कहाँ कहाँ है भूत? ये इतना बड़ा जीता जागता भूत आपके सामने खड़ा तो है। ये तो हाड़ मांस के बने हुए जीते जागते विभूति नारायण मिश्रा हैं। मुझे असली भूत चाहिए, असली भूत। और रामकली छमिया कैसी है? आइडिया, अम्मा जी को छमिया बोल रहे हैं। आपका दिमाग फिर गया है क्या? एक तो हमारी अम्मा का नाम बदतमीजी से ले रहे हैं, ऊपर से उनको छमिया भी कह रहे हैं आप। अरे भैया, रामकली सिर्फ नानी माँ का नाम थोड़ी है। अभी जिस रामकली से मैं बात कर रहा था, वो 90 साल पहले एक बार डांसर थी, अभी भी आपके पीछे नाच रही है। अरे चिंता मत करिए, नुकसान नहीं करेगी बिल्कुल। का आपको भूत दिख रहे हैं? हमको भी देखना है। भाभी माँ, असल में बात यह है कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कड़ी साधना की है, तपस्या की है, उसके बाद मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से मैं भूतों को देख सकता हूँ, उनसे बातचीत कर सकता हूँ। एक्चुअली आजकल मैं हर सुबह भूतों के साथ नाश्ता करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा जरा बताइए कि इस समय यहाँ कितने भूत मौजूद हैं? हाँ ओके, एक दो तीन चार पाँच। बुधन, वो डूमर डूमर कहाँ है तेरा भाई? अच्छा आप ही चल। हाँ गुड मॉर्निंग डूमर। 6 7 8 9 10। अरे डमरूचंद, कच्चा बनियान के नीचे क्या कर रहे? ये चुन्नू? चुन्नू नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पता है चुन्नू है। अरे इस समय हम जीते जागते लोगों के अलावा यहाँ पर 25 भूत हैं। आइडिया, आपने क्या अपनी तरह सबको पागल समझ रखा है? अरे भैया, पूरी दुनिया पागल है। जी नहीं, सिर्फ आप पागल हैं। रोज इतने ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं। वैसे भैया, ड्रामे तो आजकल आप भी बहुत कर रहे हैं। मैं ड्रामा क्या कर रहा हूँ? कल रात को शमशान घाट में भूत जेठा मिल की डेथ पार्टी थी, और उस पार्टी से डिनर करके जब मैं वापस लौट रहा था, तो मैंने आपको कब्रिस्तान में जॉनी जोकर की कब्र के ऊपर सोते हुए देखा था। भरभूति जी जॉनी जोकर की कब्र पे क्या कर रहे थे? अरे होगा इनका कोई रिश्तेदार, तुम भी चलो यहाँ से। चलो लेकिन, अरे चलो। जॉनी जोकर रिश्तेदार, I like it. चुन्नू, मैंने कहा ना आपसे वो चुन्नू नहीं है। मैंने कहा ना कि ये चुन्नू है। चुन्नू आजा, कम। तिवारी भैया, तुमको क्या लगता है? किस बारे में बेटी? जय की विभूति भैया जो है ना, आजकल कछु बदले बदले से नजर आ रहे हैं यार। ना 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 ठीक है, कुछ ना भैया, बहुत कुछ बदले नजर आ रहे हैं वो। यार एक बात कहूं, वैसे भैया हमने भी ना कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, बाल छतरी उतार कर रख दी। अबे वो तो वैसे ही जलील पार्टी है, ऊपर वाला कुछ लोगों जलील बना के बेचता है। ये भी बात सही है। अबे गुप्ता चाय लगाओ यार जल्दी। अबे रामगुलाम, तू अबे तू जिंदा है? तो क्या नहीं होना चाहिए था क्या बे? अबे जिस आदमी की बीवी उसे जूतियां मार के निकाल दे और पड़ोसी के साथ बैठ के रमी खेलती हो, उस भूतनी वाले को तो डूब के मर जाना चाहिए। एक बात बता यार, तू चला कहाँ गया था यार, बरसों बाद दिखाई दे रहा है। आजकल कब्रिस्तान में रह रहे हैं बे। भैया एकदम सही जगह रह रहे हो, वहां जगह ना तो के लिए एकदम फिट आ गई, फिट। चार घंटों की जरूरत भी ना पड़ेगी। अबे ओ, 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 हमारे अलावा एक और मनुज वहां रहता है। तीन मनुज तो ये बैठे, और कौन मनुज रहता है? अबे इनसे बड़े वाला मनुज यार, तुम्हारी मॉडर्न कॉलोनी का नल्ला विभूति नारायण मिश्रा बे।
क्या हुआ क्या उन्हें? कुछ नहीं, आजकल कब्रिस्तान में पाया जाता है। नहीं वो तो पता है, लेकिन ऐसे पूछ रहे क्योंकि कैरेक्टर के ढीले है ना, कोई भूतनी भूतनी के साथ चक्कर वक्कर तो ना चल रहा उनका। अरे भूतनी भूतनी का चक्कर छोड़ो, वो तो खुद ही एक भूत बन गया है बे। अबे हमने ना उसके अंदर एक आत्मा को घुसते देखा, मतलब ऐसी प्रसन्न हुई उसके ऊपर आत्मा, सीधा घुस गई। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ी हो तो है। अबे बाये लो क्या बे, आंखों देखी बात बता रहे हैं यार। हाँ हम ड्यूटी बजा रहे थे, रात को आया एकदम नशे में धुत नल्ला, उधर जॉनी जोकर की कब्र पे ऐसे टेस हुए भाई से, ऐसे टेस हुए भाई से कि मतलब वो आत्मा जॉनी जोकर की कैसी इमोशनल हुई, सीधा अंदर घुस गई यार उसके, और वो ना एकदम से ये तड़तड़ा के एकदम जॉनी जोकर बन गया यार। जो 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 जॉनी जोकर। अरे हड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता यार, कब्रिस्तान में रह रहकर ये ऐसा हो गया है। अच्छा ठीक है, एक दिन आओ दर्शन करा देते हैं। क्यों आओ, शादी होनी बाकी है भी हमारी, बकवास कर रहा है। अरे मोरी भैया, अबे चाय क्या मोमबत्ती पे बना रहे हो?